अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अपने मामू के फिश फार्म पर। ये पीछे आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीनरी है। ये देखिए मेरे पीछे ग्रीनरी है और यहाँ इस तरफ किन्नुओं का बाग और इस तरफ थोड़े, और वो हमारा टारगेट है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे आपको एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा है, वो गार्ड रूम है। उसकी बैक साइड पे जहाँ पे चार दीवारी हुई है उसके अंदर है फिश फार्म, यानी कि मछलियों का तालाब। हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं फिश फार्म की वीडियो के अंदर ही। अच्छा व्यूअर्स देखिए, अब फिश फार्म की वीडियो के अंदर हमजा भी आएगा, मेरा भाई फार्म पर डेरे पर ही है। ये यहाँ देखते हैं यहाँ के, ये छोटी सी पतली सी दीवार पे चल सकता है। नहीं चल पाए, बासी तो सिर्फ एक अकेला चल रहा है। वही हम फिर चल पड़े हो। ये देखिए बासी तो अकेला सिर्फ एक चल रहा है जो बचा हुआ है। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं फिश। व्यूअर्स ये हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गार्ड रूम के अंदर। अंदर से देखें गार्ड रूम, ये गार्ड रूम जो के अमूमन अभी फिश पकाने की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं फिश फार्म। हम पकड़ेंगे भी, तालाब है, हम पकड़ेंगे भी एक। हम पकड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास रॉड नहीं है। हाथ से गाइस आप देख सकते हैं कि मुइज के ब्लॉग में आते आते कांटा चुभ गया। ये क्या हुआ, लेट्स सी। ये दोनों इंजर्ड बैठे हैं। ये देखे दोनों, व्यूअर्स अब मैं दोबारा थोड़ा दर्द कम हुआ तो मैं उठाऊं। व्लॉग बनाते बनाते मैं इस जगह से गुजरा हूँ तो मेरे पैर में कांटा लग गया, यान के भी लग गया। तो ये देखें पीछे तालाब है, तो इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ये देखें पीछे आप अंदर वो साइड पे थोड़ी बहुत झाड़ियाँ भी उगे अंदर आते, तो हम लोग ये साइड साथ। अच्छा व्यूअर्स अब मैं हिम्मत करके तो अंदर आया हूँ। ये देखें आप पीछे तालाब है, वो साइड पे भी सीढ़ियाँ लगी हैं। तो ये फिश फार्म है, ये इस इधर इसकी बैक साइड पे यहाँ पे ग्रीनरी है और फिशेज इस वजह से नज़र आ रही क्योंकि ये सर्दी है और सारी फिशेज नीचे गई हुई हैं। गर्मियों में ऊपर थोड़ी बहुत नज़र भी आती हैं। तो ये फिर से सीढ़ियाँ यहाँ पे, तो पिछले दिनों यहाँ से हम लोगों ने फिशेज निकाली भी थी। तो जिस आदमी को फिशेज बहुत ज़्यादा पसंद है या पसंद है वो ज़रूर कमेंट करके बताए। तो पहल जी ज़्यादा है तो इंशाल्लाह दोबारा अगर गर्मियों में यहाँ मामू के फिश फार्म पे आए तो आप लोगों को इंशाल्लाह लजीज़ मछलियाँ भी पकड़ कर दिखाएंगे। ये देखें इस साइड पे जगह क्लीन करके रखी हुई है ताकि और सब्जियाँ यहाँ पर सब्जियाँ क्रॉप्स और चीज़ें लगाएंगे। देख रहे हैं आप मेरे पीछे, और वो देखिए हमजा उल्टे काम कर रहा है, सीढ़ियों ने नीचे नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ रहा है। ये देखें हम लोग आ रहे हैं तालाब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो बासित मेरे आगे आगे है, यान पीछे पीछे है, हमजा बहुत पीछे पीछे है। आ गए हैं ये अब फार्म के अंदर। पीछे देखे कितनी अच्छी ग्रीनरी है, आंखों को सुकून मिलता है। ये देखे पीछे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, आप देखें मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। खुशी का एहसास भी होता है और इसके अलावा यहाँ पर मेरी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जैसे किन्नू का बाग है पूरा, यहाँ से हम लोग किन्नू तोड़ेंगे भी खाएंगे भी। और इसके अलावा ये देखें नीचे इरिगेशन का नाला है। इस ये सिर्फ इसलिए किया गया कि कम पानी कम ज़ाया होगा क्योंकि जो कच्चे नाले होते हैं उनके अंदर पानी मिट्टी के अंदर चले जाता है, जज्ब हो जाता है तो पानी काफ़ी ज़ाया हो जाता है। सो सिर्फ इसीलिए ये यहाँ पर प्लस्तर किया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं किन्नुओं के बाग के अंदर और वहाँ पर हम लोग किन्नू तोड़ेंगे भी खाएंगे भी उड़ाएंगे भी। और ये देखें हम लोग किन्नुओं के बाग के अंदर आ गए, किन्नुओं के बाग के अंदर आ गए। अब मैं पेपर और दूसरी बात, हाँ
हमारे भी पेपर शुरू होने वाले हैं, हमारे कजन्स के भी पेपर हैं साथ ही, लेकिन फिर भी हम लोग यश उड़ाने आए हुए हैं। बहुत मजा आ रहा है। ये देखे एक हम लोग यहाँ से किन्नु उतार लेते हमसा छील। ये देखे ऐसे को उतारते हैं। ये ले छील ले। ये अयान आपका छील ले और बास को किसी और से देते हैं। ये वाला किन्नु, ये हम लोगों ने किन्नु उतार लिया। ये किन्नु हम लोग बास को देंगे और इसके अलावा यहाँ हम लोगों ने किन्नु चढ़े। तो इस वक्त हम लोग किन्नुओं के बाग के अंदर मौजूद हैं। ये मेरे पापा भी इस वक्त किन्नु तोड़ रहे हैं। पापा भी इस वक्त किन्नु तोड़ रहे हैं। एक है किन्नु अच्छा पर। और व्यूअर्स ये आप नीचे देख रहे हैं, ये आप नीचे देख रहे हैं कि एक गंदुम बोई हुई है। और ये पीछे जितने आप किन्नु के पौधे देख रहे हैं ये सारे नए पौधे हैं। इनके ऊपर जो किन्नु लगे हैं वो साइज में बड़े, टेस्ट में मीठे और बहुत मज़ेदार होते हैं। जो पौधे ये एक दो साल ही पुराने हैं और जो पौधे ज़्यादा उम्र के होते हैं, बड़े होते हैं, उनके किन्नुओं का साइज़ छोटा और टेस्ट उनका तुर्श होता है, इतना मज़ेदार नहीं लगता। इनके किन्नुओं से कोई गला ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता। तो ये नीचे मैं दिखा रहा हूँ फिर से गंदम। तो गंदम हम ढूंढेंगे यहाँ पे अगर कोई पुराना दरख्त हो। ये आप देखें ये पुराना दरख्त है, इसके किन्नु का साइज़ छोटा और ये खाकर बताएगा बासित भाई। जल्दी जल्दी खाओ, उतनी देर हम लोग आगे चलते हैं। तो ये देखिए देखिए कितनी ग्रीनरी है। तो ये देखिए तो ये क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सांस मिल रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर के फार्म पर। हनिया सोई हुई थी, नहीं तो हमें उसको भी साथ उठा के लाना था। इसने किन्नुओं को हाथ बहुत मारना था इसलिए हम उसको लेके नहीं आए। दूसरा वो सो रही थी। ये तो जी दीजिए हमें इजाज़त। ये दिखाओ अल्लाह हाफिज़।